ओम शांति। अब आपको स्वागत है। हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 1 नवंबर की ईश्वर वरदान की। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें उसको इतने दृढ़ता से करें और इतने भरोसे से करें कि ये मैंने पहले भी किया है और नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है और ये हुआ पड़ा है, इसमें सक्सेस ऑलरेडी मिल चुका है। इतने भरोसे, इतने बल से करें तो जीत हुई पड़ी है। देखें परमात्मा कौन से अध्यात्म रूल्स हमें बताते हैं, कौन से ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे कि ये हमारे अंदर और दृढ़ होकर जाए ये संकल्प। परमात्मा कहते हैं, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है। ये संगम युग चल रहा है, ऐसा टाइम जहाँ पर परमात्मा हमें ये सारे लॉज, सारी सारे गुण, सारी शक्तियाँ हमें बताते हैं कि जो हमारे अंदर हैं, जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, क्या करने के लिए, विजय होने के लिए। तो असंभव को संभव करना, इसलिए कभी ये नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे होगा नहीं, ऐसे होगा। लेकिन वो ऐसे होगा जो है वो बहुत क्लीन और क्लियर होना चाहिए। उसमें सिर्फ मैं ही आगे बढ़ूँ नहीं, उसमें सिर्फ मेरा ही भला हो नहीं, उसमें सिर्फ मेरा ही नाम मान शान हो नहीं, सबको आगे बढ़ाना है। मुझे नाम मान शान मिले या ना मिले, मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, कोई फिक्र नहीं। सो क्लीन एंड क्लियर, बिल्कुल साफ दिल, फराक दिल परमात्मा कहते हैं, बड़े दिल वाले बनना है। कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। और जब हमारा एम बहुत बड़ा होता है, जब हमने बहुत दूर तक तीर को भेजना होता है, तो फिर उसके थोड़ा पीछे भी बहुत आना पड़ता है, बल भलना पड़ता है, खींचना पड़ता है उस डोर को। उसी तरीके से इसमें भी हमें बहुत ही गहराई से सोच करके, समझ करके कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन कदम उठाने से पहले क्या करना है वो अब देखते हैं। परमात्मा कहते हैं, निश्चय रखकर चलो कि ये हुआ ही पड़ा है। क्या सोचना है, वो कदम उठाने से पहले क्या सोचना है, ये हुआ ही पड़ा है, और सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। संकल्प में अगर हो गया, क्लीन रास्ता दिख गया, तो कोई शक्ति नहीं है जो कि हमें रोक सकती है। और परमात्मा अगर साथ में हो तो कोई शक्ति हो ही सकती रोकने वाली। रिपीट करना है। रिपीट कैसे करना है, अभी बात कैसे हो सकती है रिपीट करना है, ये तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं राइट। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान के हिसाब से, ब्रह्म कुमारी इसके नॉलेज के हिसाब से अगर आप समझेंगे, तो ये आप हर 5000 ईयर्स के बाद में इसी शरीर में इसी समय में आकर के, आप एक आत्मा इस जीवन में आकर के फिर से यही रिपीट कर रहे होते हैं। और अगर आपके पास में ये ज्ञान है तो आप अच्छे कर्म रिपीट कर रहे होते हैं, जिसका फल अच्छा और आपको दुआएं भी मिल रही होती हैं। तो परमात्मा कहते हैं, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्यों की हलचल में ना हो तो विजय निश्चित है ही। क्या हो गया, ये क्यों हो गया, क्यों रोक दिया, क्यों नहीं करने दिया, क्यों बोला ऐसे, ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्या कर रहे हैं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूशन ओरिएंटेड है ना, हमें क्या करना है, हमें कारण नहीं ढूंढना है, हमें निवारण ढूंढना है। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना, बहुत ही सहज दृढ़ संकल्प होना चाहिए। लेकिन दृढ़ संकल्प के पीछे कुछ गुप्त चीज़ें हैं जो कि हम ब्रह्म कुमारी इसमें सीखते हैं कि वो दृढ़ संकल्प बन कैसे सकता है। सिर्फ ये नहीं कि मैं करूँगा करूँगा करूँगा, लेकिन बहुत सारे इसके पीछे कंडीशंस अप्लाई हैं। हमने बात जो करी है, सच्चाई सफाई तो है ही है, क्लीन हार्ट होना चाहिए, फराक दिल होना चाहिए, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप ब्रह्म कुमारी इसके सेंटर पर जाकर के सीख सकते हैं। और अगर आपके आस पास ब्रह्म कुमारी सेंटर नहीं है, जो कि कम चांसेस है, लेकिन अगर नहीं है तो आप हर शाम को रविवार संडे के 5 बजे से लेकर 6 बजे तक के जूम लाइव सेशन को सुने, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें वहाँ पे समझ आएंगी। और उसके लिए आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करें, नहीं तो अगर आप यूट्यूब पे अगर सुन रहे हैं तो आपके लिए वो लाइव होगा ही होगा संडे को। और फेसबुक में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं मेरा फेसबुक का लिंक कौन सा है, आपको भेज दिया जाएगा। इसके साथ ओम शांति।